महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बयान पर भड़की शिवसेना, नाला सोपारा में पुतले के साथ किया प्रदर्शन। दानवे के बयान पर कांग्रेस नेता संजय निरुपम की प्रतिक्रिया, इस तरह की बात करने वाला होगा दानव। जालना में कल दानवे ने मजाक उड़ाते हुए किसानों के लिए कहे थे अपशब्द, कहा सरकार ने 1 लाख टन तूर दाल की खरीदारी की, फिर भी रोते हैं किसान। बवाल के बाद राव साहब दानवे ने जारी किया बयान, कहा किसी को आहत करने के इरादे से नहीं दिया था बयान, किसानों का करता हूं सम्मान। ठाणे महानगर पालिका आयुक्त की फेरी वालों ने की पिटाई, अस्पताल में हुए भर्ती, अतिक्रमण हटाने की कर रहे थे कार्रवाई। ठाणे में परेशान किसान ने इमारत से कूद कर की खुदकुशी, घर में पसरा मातम। मेडिकल शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन की चेतावनी, जो मेडिकल कॉलेज ज्यादा फीस लेगा उस पर होगी कड़ी कार्रवाई, चाहे किसी भी कोटे का छात्र हो। जाकिर नायक की संस्था को इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर रहेगा जारी बैन, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पेशल ट्रिब्यूनल के फैसले को सही बताया। ट्रिब्यूनल के मुताबिक IRF देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए घातक साबित हो सकने वाली गतिविधियों में लिप्त था, केंद्र ने लगाया था जाकिर की संस्था पर बैन। पुणे में दो युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है वीडियो की जांच। मुंबई में रेंज रोवर और स्विफ्ट डिजायर कार की टक्कर, मुंबई के अंधेरी वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। हादसे में स्विफ्ट डिजायर का ड्राइवर गंभीर रूप से हुआ घायल, महिला चला रही थी रेंज रोवर। मुंबई के वर्सोवा में एक बंगले में आग, ग्राउंड फ्लोर को हुआ नुकसान। केंद्र की उजाला योजना की तरह ही राज्य सरकार भी रियायती दरों पर देगी LED बल्ब, सभी सरकारी संस्थाओं में भी लगेंगे LED। मुंबई में तापमान में उतार चढ़ाव के चलते स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, जनवरी से अब तक सामने आए 26 मामले, एक मरीज की मौत। डेवलपमेंट प्लान को BMC से मिली 2 महीने की मोहलत, 20 जुलाई तक पास कराकर राज्य सरकार को भेजा जाएगा प्लान। दो अंकों की मामूली बढ़त के साथ 30,250 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 15 पॉइंट्स बढ़कर 9,422 पर हुआ बंद। 265 रुपए प्रति तोले की गिरावट के साथ 28,400 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई सोने की कीमत, चांदी भी सस्ती। इसरो ने भारत में लॉन्च की नई SUV MUX 3 लीटर डीजल इंजन से लैस है गाड़ी की, शुरुआती कीमत होगी 23 लाख रुपए। SBI के ग्राहक अब ई वॉलेट के जरिए ATM से निकाल सकेंगे रकम, हर एक निकासी पर देना होगा तय चार्ज। जस्टिन बीबर के मुंबई ऑफेंस ने गायक पर लगाया आरोप, कहा कंसर्ट में सिर्फ 4 गाने गाए, बाकियों पर लिप सिंगिंग करने का आरोप। ₹4,000 से लेकर ₹75,000 रुपए तक में बिके थे कंसर्ट के टिकट्स, दूसरे शहरों में भी बेचे गए थे टिकट्स। जस्टिन बीबर के वापस लौटने की खबर, पहले कहा जा रहा था कि बीबर मुंबई में कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली, आगरा और जयपुर घूमने के लिए जाएंगे। फिल्म हिंदी मीडियम के प्रमोशन में जुटे इरफान खान, कहा बॉलीवुड में अंग्रेजी हावी, मजबूरी में हिंदी बोलते हैं एक्टर। सरकार सिंह के प्रमोशन में जुटे अमिताभ बच्चन, फिल्म से जुड़े 28 वीडियो ट्विटर पर शेयर किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। किसानों के खिलाफ दिए गए अपने बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहेब दानवे ने खेद तो जता दिया है, पर उनके बयान से आज राजनीति में उबाल आ गया। उनका सबसे मुखर विरोध किया सहयोगी शिवसेना ने। दानवे ने तूर दाल की खरीद को लेकर किसानों के लिए आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे के बयान के खिलाफ शिवसेना और दूसरे संगठनों ने ऐसे प्रदर्शन किए। शिवसेना ने अपने प्रदर्शन को जूता मारो आंदोलन का नाम दिया।
कांग्रेस ने दानवे से माफी की मांग की। मैं तो मांग करूंगा कि भाजपा, क्योंकि दानवे भाजपा के अध्यक्ष है, भाजपा पार्टी किसानों की माफी मांगे, राज्य के भाजपा के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, ये महाराष्ट्र के तमाम, देश के तमाम किसानों की माफी उन्होंने तुरंत मांगनी चाहिए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी दानवे पर तंज कसा। आखिरकार दानवे ने एक बयान जारी किया जिसमें लिखा था, ये बातचीत मेरे और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच थी। मैं किसानों के खिलाफ कभी अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। मैं खुद एक किसान परिवार में पैदा हुआ हूं और किसानों का दर्द समझता हूं। मैं पिछले 35 सालों से किसानों के लिए काम कर रहा हूं। कार्यकर्ताओं से मेरी बातचीत को गलत ढंग से पेश किया गया। मैं कभी भी किसानों को गाली नहीं दे सकता, पर फिर भी अगर अनजाने में मैंने किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाई है तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ। तूर दाल की खरीद को लेकर महाराष्ट्र का किसान पहले से ही परेशान है। इस विभाग की जिम्मेदारी जिन पर है वो मंत्री जनता के पैसे से विदेश घूम रहे हैं और महाराष्ट्र में बचे राव साहब दानवे जैसे नेता किसानों को गाली देकर उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। कोल्हापुर से दीपक सूर्यवंशी और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। ठाणे महानगर पालिका का अतिक्रमण हटाओ अभियान कुछ और ही बनता जा रहा है। कल आरोप लगा के फेरी वालों और ऑटो चालकों ने डिप्टी कमिश्नर की पिटाई कर डाली, पर आज तो खुद कमिश्नर साहब ऑटो वालों से पिटते हुए नजर आए। एक ऑटो वाले से मार पिटाई कर रहे ये हैं ठाणे महानगर पालिका के कमिश्नर संजीव जायसवाल, जो अतिक्रमण के खिलाफ आज खुद सड़कों पर उतरे थे और अस्पताल में भर्ती ये हैं ठाणे महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर संदीप मालवी। आरोप है कि बुधवार को जब ये अतिक्रमण हटवा रहे थे तो इन पर ऑटो चालकों ने हमला कर दिया। पिछले कुछ दिनों से हमारी कार्यवाही जो उस परिसर में हो रही थी और खास करके जो वो एक लाइट कार्यवाही हो रही थी उसको एक डिसएडवांटेज उसका लेने का प्रयत्न कल किया गया है। इसका उत्तर प्रतिउत्तर महानगर पालिका के तरफ से बिल्कुल दिया जाएगा। ठाणे रेलवे स्टेशन के पास गांव देवी इलाके में काफी जगह ऑटो वाले घेरे रहते हैं। टीएमसी के मुताबिक ये यहां अवैध पार्किंग करते हैं और यूनियन के नाम पर पत्रे लगाकर ऑफिस बना लेते हैं। अवैध फेरी वालों से भी इलाके की दुर्दशा हो रही है, जिसके खिलाफ टीएमसी ने अभियान चलाया हुआ है। इसी मुहिम के तहत कार्रवाई के लिए संदीप मालवी गए थे और उन पर हमला कर दिया गया। और आज कमिश्नर जायसवाल इस मुहिम पर निकले तो वीडियो में दिख रही तस्वीरों में वो खुद सिंघम बन बैठे। पुलिस ने अभी तक इन घटनाओं की एफआईआर दर्ज नहीं की है। ठाणे से विक्रांत चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन अपने हाथ में क्या लिया, छात्रों की शामत आ गई। प्राइवेट कॉलेजेस ने अपनी फीस कई गुना बढ़ा दी। पुणे के एक मेडिकल कॉलेज ने तो पीजी सीट के लिए सीधे 97 लाख रुपए की मांग कर डाली। पुणे के रहने वाले मार्क फर्नांडिस की समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे अपनी बेटी की फीस जमा करें, जिसमें अचानक कॉलेज ने 85% का इजाफा कर दिया है। बेटी चिपलून के वालावलकर कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। इनका आरोप है कि कॉलेज वाले 5 लाख की जगह इस साल 7 लाख रुपए मांग रहे हैं। पिछले साल उन्होंने उनका फीस स्ट्रक्चर दिखाया था 5,32,000 रुपया विद एवरीथिंग, विद मेसिंग, विद एकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, विद ओनली 4,09,000 ट्यूशन फी। अभी उन्होंने उसी फी को एंड ऑफ द ईयर बढ़ा के 7,25,000 किया है, विच इज इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 85%, जो इस स्टेज पे पेरेंट्स के भरने के हालत में नहीं है। फर्नांडिस की तरह मेडिकल की पढ़ाई कर रहे और छात्रों के अभिभावक भी आज अपनी शिकायतें लेकर एमआरई के मुंबई दफ्तर आए थे। इस साल मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे की सीट सरकार भर रही है, पर इनकी फीस कॉलेज ही तय कर रहा है। इन अभिभावकों का आरोप है कि अपनी भरपाई करने के लिए कॉलेजों ने सरकारी कोटे के छात्रों की फीस भी बढ़ा दी है। तो हर मेडिकल कॉलेज को जब भी वो फी स्ट्रक्चर उनका बदली हो जाता है, उनको एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और जब भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है कि इतना 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 आप चार्ज कर सकते हो, तभी वो स्टूडेंट्स को चार्ज कर सकते हैं। नियमों के मुताबिक महाराष्ट्र के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे वाले छात्रों की फीस 5.5 से 9.5 लाख रुपए, डीम्ड यूनिवर्सिटियों में सरकारी कोटे वाले छात्रों के लिए 8 लाख रुपए से 25 लाख रुपए और मैनेजमेंट कोटा वाले छात्रों के लिए 10 लाख से 25 लाख रुपए, जबकि एनआरआई कोटा वालों के लिए
23 से 75 लाख रुपए की फीस है। हाल ही में खबर आई थी कि पुणे के कॉलेज ने पीजी सीट के लिए 97 लाख रुपए मांगे। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि जो भी कॉलेज नियम के विरुद्ध जाकर फीस मांगेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अगर किसी ने वायोलेशन दिया तो हमारे एक्ट के मुताबिक, और हमारे दो एक्ट है, अनएडेड प्रोफेशनल प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक्ट और दूसरा हमारा MUHS यूनिवर्सिटी एक्ट, दो एक्ट के मुताबिक उनके अगेंस्ट जरूर कार्रवाई करेंगे। नासे से प्रवीण ठाकरे और मुंबई से मयूरेश गणपते के साथ आज तक ब्यूरो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज गौरक्षकों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार में शामिल लोगों की वजह से अल्पसंख्यकों में डर पैदा हो गया है। या देशातल्या अल्पसंख्याकांच्या मनामध्ये एक प्रकारचं चिंतेचं आणि काही प्रमाणात भीतीचं सुद्धा वातावरण आहे। ही जी कल्पना इथे निघाली गोरक्षक, ही एक सर्वात मोठ्या प्रमाणात आहे आणि तिला सरकारच्या वतीनं पाठिंबा दिला जातो। जी काही उदाहरणं आपण बघितली उत्तर प्रदेशमध्ये एकाच्या घरामध्ये घुसून त्याची हत्या केली, का तर त्यांनी गायीची हत्या केली होती आणि नंतर सगळ्या चौकशीमध्ये गायीची हत्या केली होती, खरंच होते सिद्ध झालं। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ।